आर्थिक सर्वे 2018-19 के मुताबिक 2018-19 की अंतिम तिमाही में कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने -0.3% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। सभी क्षेत्रों के खपत में गिरावट आई है। जीडीपी में गिरावट के पीछे की वजह वित्त वर्ष की बीती दो तिमाही में कम निजी उपभोग भी है। निजी उपभोग का अर्थव्यवस्था की जीडीपी में 60% की हिस्सेदारी है। बीते 5 वर्षों में आर्थिक विकास दर औसतन 7.5% रहा, लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 में या बीते 5 वर्षों में 6.8% के आंकड़े के साथ सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। विकास की रफ्तार में आई इस गिरावट ने अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कृषि क्षेत्र के विकास को अधिक मंथर कर दिया। सर्वे कहता है कि सस्ते अनाज के चलते किसानों ने न सिर्फ कम पैदावार की बल्कि उपभोग के लिए भी कम ही खर्च किया। इसके चलते आर्थिक गतिविधियों में भी गिरावट आई है। 2018-19 में रबी की फसल में बीते वित्त वर्ष के मुकाबले बहुत कम गिरावट है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि खाद्य कीमतों में संकुचन ने किसानों को कम उत्पादन करने के लिए प्रेरित करने में योगदान दिया है। सर्वे में ये भी कहा गया है कि सस्ते अनाज के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से होने वाली आय भी कम हुई है। इसने गैर वित्तीय बैंकिंग संस्थानों के जरिए दिए गए कर्ज को भी प्रभावित किया है। वित्त वर्ष 2018-19 में 0 उपभोक्ता खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गया। लगातार 5 महीनों तक अनाज की महंगाई नकारात्मक दर्ज की गई है। यह प्रदर्शित करता है कि कृषि में सकल मूल्य वर्धन में नाम मात्र की विकास दर 2017-18 में 7% से 2018-19 में 4% हो गई है। सर्वे में कहा गया है कि कुल जीवीय में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार गिर रही है और अब 2018-19 में यह 16.1% है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन 28.34 करोड़ टन रहा, जबकि 2017-18 में यह 28.5 करोड़ टन था। कृषि क्षेत्र के भीतर खाद्यान्न घटक ने जीवीय में अपनी हिस्सेदारी कम की है। 2013-14 में इसका हिस्सा 12.1% था, जो घटकर 2017-18 में 10% हो गया है, जबकि पशुधन घटक ने अपना हिस्सा 4.1% से बढ़ाकर 4.9% किया है। अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग को तय करने में उपभोग का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होगा। खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी से ही ग्रामीण आय बढ़ाने और खर्च करने की क्षमता में भी मदद मिलेगी और इससे ग्रामीण उपभोग की मांग भी बढ़ेगी।